Realme 2.0 पे फिलहाल अभी काम चालू है और ये बहुत सारे डिवाइसेज को जल्दी देखने को मिलने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस 2.0 के साथ क्या कुछ आपको नया चेंज देखने को मिलेगा, तो आज के इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहें, क्योंकि जो बीटा प्रोग्राम के फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है हमारे स्टेबल और फाइनल अपडेट के कंपैरिजन में। क्योंकि मेरे पास है रियलमी का X50 Pro और इसके लिए फाइनल अपडेट आ चुका है, और जो बीटा प्रोग्राम था उस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो दिया था, बट ये जो फाइनल स्टेबल बिल्ड है इसे फिलहाल मैं 20 डेज से यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ और नए इम्प्रूवमेंट और चेंजमेंट देखने को मिलते हैं अगर हम इसे कंपेयर करें बीटा प्रोग्राम से। तो आप अगर वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके रियलमी के डिवाइसेज के अंदर इसे इंस्टॉल करने के बाद यानी अपडेट करने के बाद क्या कुछ चेंज मिलता है, क्या इसके बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है या डाउनग्रेड हुआ है, कैमरा का क्वालिटी कैसा है और फीचर्स में क्या डिफरेंट है जो कि बीटा प्रोग्राम और स्टेबल प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलता है। बस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं शेयर करूंगा अपना यूजर एक्सपीरियंस जो कि मैंने इन 20 डेज के अंदर है जो नोटिस किया है इस 2.0 को यूज करते हुए। EY 2.0 का जो ये फाइनल अपडेट आएगा ये मैक्सिमम डिवाइसेज को एंड्रॉयड 11 के साथ देखने को मिलेगा, और एंड्रॉयड 11 होने की वजह से कई सारे नए फीचर्स यहाँ पे अनलॉक हो जाते हैं जो कि हमें होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलता है। जैसे कि जो भी आप वॉलपेपर अपने होम स्क्रीन पे सेट करोगे उसमें जूम इन और जूम आउट का आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जिस तरीके से मैं ऊपर करता हूँ ड्रॉवर को, ऐप ड्रॉवर को, वॉलपेपर हल्का सा पीछे की ओर बैक जाते हुए नजर आता है जो कि जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट देता है। ये एंड्रॉयड 11 होने की वजह से हमें नजर आता है। बहुत सारे यूजर्स का डिमांड था कि भाई ऐप्स ओपनिंग एनिमेशन कैसा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐप्स ओपनिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, जो कि पहले हमें इस टाइप से देखने को नहीं मिलता था। तो ऐप ओपनिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बेटर और परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे 100 मोड का जो लुक है उसे बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। अगर आप कॉर्नर से कुछ इस तरीके से स्वाइप अप करते हो तो सारे एप्लीकेशन जो कि आपके होम स्क्रीन पे सेट है वो काफ़ी स्मॉल स्क्रीन पे आ जाते हैं। बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का ऑप्टिमाइज किया गया है 100 के लुक को। आप यहां से किसी भी एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो और जैसे आप अपने फिंगर को हटाओगे ये फिर से पहले वाले पोजीशन में चला जाता है। बस कॉर्नर पे पिक करना है और ऊपर की ओर स्वाइप कर देना है, उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से एक्सेस कर पाओगे। तो ये दोनों साइड से काम करता है। तो भाई 100 को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके कुछ इस तरीके का लुक दिया गया है, और जब भी आप किसी भी ऐप के ऊपर इस तरीके से स्वाइप करोगे आपको काफ़ी अच्छा खासा हैप्टिक फीडबैक है जो महसूस होगा, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये 100 यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और जिनके हाथ काफी स्मॉल है और भाई बड़े बड़े फोन यूज करने में दिक्कत आता है तो इस अपडेट के बाद ये काफी ज्यादा यूजफुल और काफी ज्यादा हैंडी भी होने वाला है। साथ ही साथ हम बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा बिखर जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और इसे एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हर एक को कुछ इस तरीके से पिक करना पड़ता है, लेकिन इस अपडेट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, सारे ऐप्स एडिट के रूप में आ जाएंगे और आपको अपने फिंगर का यूज करके स्वाइप डाउन करना है। स्वाइप डाउन करते ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा नीचे की ओर, और अगर आप ऐप्स को ऊपर की ओर एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको स्वाइप अप कर देना है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट होने लग जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, और वन टाइम में आप सभी ऐप्स को एक साथ है जो एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी बिखरे हुए हैं कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से काम करता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा जो कि आपके काफ़ी काम आने वाला है अगर आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूज करते हो अपने होम स्क्रीन के ऊपर। साथ ही साथ जो हमारा बीटा प्रोग्राम था रियलमी UI 2.0 का वो काफ़ी ज़्यादा लैगी था और रैम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, 2 से 3 दिनों के यूज पे काफ़ी ज़्यादा हमें स्लो फील होता था और बहुत सारे यूजर्स इसे यूज करके काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हुए थे। बट ये अपडेट जो फाइनल अपडेट है इसमें रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है और कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, और कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन दिखाई देता है हमारे लॉन्चर के ऊपर जो कि आप ऐप्स को देख सकते हो किस तरीके से ये स्लाइड हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा एनिमेशन है और हर एक जगह कमाल के एनिमेशन यहाँ पे यूज किए गए हैं। अगर हम वंस अगेन हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है वॉलपेपर आइकन और लेआउट का। वॉलपेपर टैप करते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स वॉलपेपर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे खासे वॉलपेपर कलेक्शन में हमें नज़र आता है। तो काफ़ी अमेजिंग से आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल से वॉलपेपर है, तो आप इनका यूज कर सकते हो अपने फ़ोन के लुक को बिल्कुल ही चेंज करने के लिए। तो मुझे इनके सारे वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं,
आपका क्या ख्याल है इन वॉलपेपर के बारे में, आप जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर यहीं पे हम इसके लाइव वॉलपेपर की अगर बात करें तो लाइव वॉलपेपर में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से मोशन होता है हमारे फ़ोन के मूव करने पर। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलता है। तो जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। मोड पे आने के बाद और ज़्यादा आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे इसके स्टोर में जाने के बाद। तो इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छा खासा वॉलपेपर का कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस अपडेट के साथ। इसका जो फोल्डर ओपनिंग का एनिमेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव्ड हो चुका है। अगर आप किसी भी विंडो को फ्लोटिंग विंडो में चेंज करते हो कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं दो नए ऑप्शन नीचे की ओर, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्लोटिंग विंडो और यहाँ पे आपको मिलता है मिनी विंडो। तो आप जिसका भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम फ्लोटिंग विंडो पे डालते हैं तो पहले बीटा प्रोग्राम में कटआउट का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता था, हमें यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना पड़ता था तब इसे जूम या कट या मिनी कर सकते थे। बट अब यहाँ पे कट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो डायरेक्टली इस पे टैप करते ही जो फ्लोटिंग विंडो हमारा ओपन है वो कटआउट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नया इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हमारे फ्लोटिंग विंडो वगैरह में। और जब भी आप इसे अपडेट करोगे हर जगह यहाँ पे इस तरह का सजेशन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये जो विंडो है काम करेगा और किस तरीके से आप इसका बेनिफिट है जो ले सकते हो। साथ साथ अगर इसे हम फिर से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इस तरीके से कटआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। और जो साइड बार है इसका भी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है पहले के कंपैरिजन में और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है और वन टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपको देखने को मिल जाए। बीटा प्रोग्राम में ऐड किया गया था यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ नोटिफिकेशन कंट्रोलर, जो कि इसे ऐड करने के बाद जो हमें Realme EY 1.0 के ऊपर ये ऑप्शन देखने को मिलता है म्यूट नोटिफिकेशन का, ये से हटा दिया गया था। बट जो फाइनल अपडेट आता है इसमें दोनों फीचर्स को रखा गया है, आप म्यूट कर सकते हो नोटिफिकेशन को या फिर उसके साउंड को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो इसके वॉल्यूम बार से। तो ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें दोनों देखने को मिल जाता है इस 2.0 के अपडेट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी है। साथ साथ अगर हम सेटिंग को इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे पूरा लुक चेंज कर दिया गया है। बट यहाँ पे अनलॉकिंग का जो एनिमेशन है इसमें कोई भी नया इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है, तो सब कुछ पहले जैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बट क्लॉक का जो फॉर्मेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा नए यहाँ पे क्लॉक्स ऐड कर दिए गए हैं और यहाँ पे मैनुअली आप इसे खुद से जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो और जिस कलर का चाहिए वो कलर भी आप यहाँ पे पिक कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और खुद से आप नया AOD स्क्रीन है जो ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे कस्टम कलर मिलता है जो कि करीब करीब ऑक्सीजन ऑयल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके अगर आप यूज करते हो तो। साथ ही साथ डार्क मोड का जो यहाँ पे स्टाइल है ये 3 वे में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हर किसी को डार्क मोड हर टाइप का पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार इन्हेंस कर सकते हो। यहाँ पे एक इन्हेंस मिलता है, दूसरा मीडियम मिलता है, तीसरा आपको जेंटल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एडजस्ट आइकन टू डार्क मोड में भी आप यूज कर सकते हो, रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हो जो टेक्स्ट वगैरह है उनका भी। और एक और आपको ऑप्शन देखने को मिला है जो कि थर्ड पार्टी को आप फोर्सफुली डार्क मोड में डाल सकते हो या फिर निकाल सकते हो। तो जो भी डार्क मोड आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाया गया है जो कि हमें देखने को मिलता है इस लेटेस्ट अपडेट में। UI 2.0 के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि करीब करीब 40+ है, जिनका मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी दे रखा है जो कि करीब करीब 1 आवर्स के आसपास का या 20 मिनट के आसपास का है। तो अगर आप मेरे Realme के प्लेलिस्ट पे आते हो तो यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें 40+ लिखा गया है। तो इस वीडियो को अगर आप वॉच करोगे तो हर एक फीचर्स को मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हुआ है प्रोनाउंस वगैरह, तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। बट आप इसे वॉच करोगे तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो स्टेबल अपडेट है इसमें जो कुछ नया ऐड किया गया था बीटा प्रोग्राम के अलावा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ कमी भी देखने को मिला है। और रही बात कि बैटरी बैकअप हमें कैसा देखने को मिलता है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं हम अपने बैटरी बैकअप के ऊपर। तो जितना भी मैंने यूज किया है हर डे का बैटरी बैकअप मैंने करीब करीब यहाँ पे जो कवर किया है। तो ये जो फाइनल अपडेट हमें मिला था वो 3.65 GB का था, जो कि फुल पैकेज के रूप में है, क्योंकि जो अगर बीटा प्रोग्राम रन कर रखे हैं उन्हें करीब करीब 800 का ही अपडेट मिला था। लेकिन जो डायरेक्ट स्विच कर रहे हैं स्टेबल 1.0 से यहाँ पे 2.0 के ऊपर, उन्हें करीब करीब 4 GB के आसपास का पैकेज अपडेट मिला, जैसे कि मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। इसे अपडेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है चेंज लुक, और हर एक जगह यहाँ पे आपको डेमो के रूप में बताएगा किस तरीके से उस फीचर्स को आपको यूज करना है। साथ साथ अल्ट्रा बैटरी सेविंग, पावर सेविंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। लेकिन अगर फर्स्ट डे की अगर अपडेट के बाद की बैटरी वगैरह की बात करूँ,
तो यहाँ पे काफ़ी कम मुझे बैटरी बैकअप देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हो ओनली 22% लेफ्ट है, और स्क्रीन ऑन टाइमिंग मुझे 3 आवर्स 39 मिनट का ही देखने को मिला। तो ये फर्स्ट डे था, जब भी आप अपडेट करोगे तो फर्स्ट डे आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं इसे यूज करता हूँ तो मुझे काफ़ी ठीक बैटरी देखने को मिल गया। और एक छोटी सी और कमी लगी है, जब भी मैं फाइल शेयरिंग यूज करता था Realme UI 1.0 के ऊपर, तो मुझे अक्सर स्पीड मिलता था करके 60 और 70 Mbps का, जो कि काफ़ी कमाल का था। बट इस 2.0 को अपडेट करने के बाद, एंड्रॉयड 11 को अपडेट करने के बाद, मेरा जो स्पीड है शेयरिंग का वो लिमिट हो गया करीब 8 Mbps और 6 Mbps का। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल शेयरिंग का स्पीड ऊपर नज़र आ रहा है, फाइल शेयर हो रहा है, तो ओनली 8 Mbps का मुझे स्पीड देखने को मिला। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगा है, क्योंकि 1.0 के ऊपर काफ़ी इम्प्रेसिव यानी नेक्स्ट लेवल का स्पीड मुझे मिल जाता था फाइल फाइव गो के अनुसार। और यहाँ पे फिर से लॉन्ग यूज करने के बाद मुझे करीब करीब 5 आवर्स 31 यानी अगर 0% तक यूज करूँ तो 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग मिलने लगा। जबकि ग्रुप्स में बहुत सारे यूजर से मैंने बात की तो उनको स्क्रीन ऑन टाइमिंग 7 और 11 आवर्स का देखने को मिल रहा था, लेकिन इस अपडेट के बाद करीब करीब 10% का गिरावट आया है बैटरी के बैकअप में। क्योंकि अगर मैं अपने यूजर्स की बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करना, कन्वर्ट करना, और साथ साथ फाइल शेयर वगैरह करना, हॉटस्पॉट यूज करना, जिसकी वजह से जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग है ये काफ़ी अच्छा है। बट अगर सेम यूज मैं Realme UI 1 पे करता था तो मुझे 6 आवर्स और 7 आवर्स का ऑन टाइमिंग मिल जाता था, जबकि यहाँ पे ऑनलाइन मुझे 6 आवर्स का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बैटरी में थोड़ी सी गिरावट आई है, जो कि Realme UI 2.0 के अंदर देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आपका बैटरी लो होता है तो कुछ इस तरीके से आपको मैसेज मिलेगा, जहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह आप सेव कर सकते हो, ताकि आपका बैटरी जब लो हो तो वो उन लोगों को मैसेज कर दे कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, कुछ इमरजेंसी टाइप का हेल्प के रूप में ही आया है, जो कि 2.0 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक डे का मेरे पास बैटरी बैकअप डिटेल है, तो कहीं पे 4 आवर्स ऑन टाइमिंग है, कहीं पे 6 आवर्स के आसपास का ऑन टाइमिंग है, तो कहीं पे यहाँ पे 5 आवर्स 24 मिनट का टाइमिंग है, यानी अप्रॉक्स 6 आवर्स का ऑन टाइमिंग मिल जाता है 100 से 0% का। और जो चार्जिंग का स्पीड है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कमी है तो फाइल शेयरिंग के अंदर, और थोड़ा सा स्लाइटली बैटरी बैकअप जो कम हो गया है उसके अंदर, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। और काफ़ी कमाल के यहाँ पे फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप सो गाइस कि मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल दे दिया है, लेकिन हर एक फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने भाई ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, तो फिर से अगर मैं वही चीज़ें कवर करूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और रही बात की डिटेल की बात करें तो बैक कैमरा काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन जो सेल्फी कैमरा है इसका, जिसमें 32 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं करता है, यानी भाई ट्यूनिंग में अभी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा खासा सेल्फी यानी डिटेलिंग सेल्फी हमें देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मुझे उतना अच्छा नहीं लगा अगर मैं यहाँ पे Realme के X2 Pro के कैमरे से कंपेयर करूँ तो, जबकि वहाँ पे 60 मेगापिक्सल है और यहाँ पे 32 मेगापिक्सल है। तो भाई यहाँ पे ट्यूनिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे कम है, यानी मिसिंग डिटेल हमें देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करते कि इन फ्यूचर ये अपडेट हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए तो भाई अभी कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। आपको कैसा लगा आज का ये डिटेल, आपके क्या है क्वेश्चन इस अपडेट के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं क्विक रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आप किस डिवाइस के यूजर्स हो ये भी आप ज़रूर बताना, आपको ये अपडेट मिला या नहीं। आप हर एक फीचर्स जानना चाहते हो तो 40 प्लस वाले वीडियो का वॉच कर लेना, मैंने हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।